हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त प्रभा। आज मैं आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग को आसानी से कैसे ग्रो किया जाता है ये बताऊंगी और सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। सॉन्ग ऑफ इंडिया में कोई फ्लावर तो नहीं आता, लेकिन ये प्लांट देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए इसके लीव्स कितने ब्यूटीफुल हैं, ये देखिए। इस प्लांट को आप घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पार्क में किसी के घर में ये प्लांट दिखाई दे तो आप उनसे एक 6 इंच की कटिंग लाकर इसे घर पर ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी वाले इस प्लांट को बहुत ही कॉस्टली देते हैं, इसीलिए आज मैं बताऊंगी कि आप इसकी कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया की आप देखिए, जैसे ये ब्रांच है, ये देखिए, ये भी लेंथी हो गई है, और एक ये ब्रांच है, ये भी देखिए काफी लेंथी हो गई है। तो मैं ये दोनों ब्रांचों को यहां से कट कर दूंगी और इसको भी मैं यहां से कट कर दूंगी, और 2 या 3 इसमें से प्लांट अभी बन सकते हैं। तो मैं आपको काट के बताती हूं कि मैं इसको कैसे कटिंग करके ग्रो करूंगी, और मैं जहां से भी इसको कट करूंगी, जैसे मैंने यहां से कट कर दिया तो आप ये मत सोचना अरे तो यहां से कट हो गया, अब क्या होगा, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम जहां से कट करते हैं प्लांट को वहीं से वो 2 या 3 ब्रांच को निकालता है। इसीलिए प्लांट की कभी भी कटिंग करते हुए आप घबराए ना। रेनी सीजन में तो आपको प्लांट की कटिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया की तो करनी चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जहां यहां से मैं अगर काटूंगी तो यहीं से ही 2 या 3 ब्रांच निकलेंगी, तो ये प्लांट बूसी हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन ये लेंथी लेंथी सा देखिए, एक निकल रहा है, एक इधर को लटक रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। ये देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये एक बूसी बन जाएगी यहाँ पर, ये काफी घना हो जाएगा अगर मैं यहां से इसको कट कर दूंगी, और मेरे 3 प्लांट भी मुझे इस प्लांट से मिल जाएंगे। जैसे इस ये बहुत लेंथी है तो इसमें से 2 कटिंग निकलेंगी और इसमें से 1 ही कटिंग निकलेगी, ये देखिए। तो मैं इसे आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करनी है। देखिए आप यहां से कट कर दीजिए कि यहां से मैं अगर काटूंगी तो यहीं से 2 ब्रांचें निकलेंगी। आपने एक शार्प ब्लेड लेना है और इसको कट कर देना है, ये देखिए बिल्कुल शार्प कट करना है आपको। ये देखिए एक कटिंग ये है, इसमें से 2 कटिंग बन सकती है। हमने 6-6 इंच की कटिंग काटनी है, और एक ये है, इसकी भी मैं यहां से कट कर दूंगी। देखिए ये 2 कटिंग हो गई। अब मैं क्या करूंगी, इसके जो नीचे के जो लीव्स हैं उनको हटा दूंगी। नीचे के आपको लीव्स को हटा देना है ऐसे बस, और मिट्टी में इसको इतना डालना है, कम से कम 2 इंच। और ये देखिए ये कटिंग है, अब मैं इसको ग्रो कर दूंगी। तो जो ऐसी ग्रोथ ऐसी होती है ना, जो ऊपर से टिप होती है, यहां से इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, ये जल्दी ग्रोथ में आता है। और एक ये है, इसके भी नीचे की मैं लीव्स हटा दूंगी। इसमें से मैं 2 कटिंग तैयार करूंगी, इसमें से कम 2 कटिंग आराम से तैयार हो जाएंगी। देखिए ये देखिए, इसके भी नीचे की लीव्स मैं हटा दूंगी। ये देखिए मैंने 3 कटिंग बना ली है, ये देखिए। और आपको इसको लगाना है, और सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगाने के लिए आपको मिट्टी कैसी चाहिए, किसी भी कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी आप जैसी मैं अभी बता रही हूँ आपको, वैसे ही आपको मिट्टी बनानी है। देखिए पॉटिंग सॉइल में आपको 1 पार्ट लेना है मिट्टी का, और 1 पार्ट रेत लेनी है, और 1/2 पार्ट कोकोपीट, और 1 गमले के लिए कम से कम 1 मुट्ठी आप खाद दे सकते हो, कोई सी भी हो, चाहे वो लीप कंपोस्ट हो या गोबर खाद हो। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इस पॉट में ही इन कटिंग को लगाना है, इसी में ही ग्रो करना है, मैंने निकाल कर कहीं और जगह नहीं इसको लगाना, इसलिए अब मैं ये मिट्टी इसमें आपको भर के बताती हूँ।
मैंने पॉट में मिट्टी डाल दी है और अब मैं इसको कम से कम 2 इंची इतना मैं इसको सॉइल में डाल दूंगी और इसको भी मैं ऐसे लगा, मैंने इसमें एक कोई लीव नहीं रखी है, कोई भी लीव्स नहीं है इसमें। ये देखिए मैंने इसे पॉट में इन कटिंग 3 कटिंग है इनको मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे जब रेन होगी तो मैं रेन में रख दूंगी और जब धूप आ जाएगी तो मैं इसको गमलों की छाया में, गमलों के बीच में ऐसी जगह रखूंगी जहां पर इसमें छाया पड़े। और सॉन्ग ऑफ इंडिया को आपको कम से कम गर्मी में 11:30 बजे तक 12 बजे तक की धूप ही इसमें पड़नी चाहिए, इससे ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इसके जो टिप होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। और अब मैंने ये कटिंग लगा दी है, इसमें आप फंगीसाइड अगर डालना चाहते हो तो डाल दो, नहीं तो ये सिंपल जैसे मैंने आपको बताया है आप ऐसे आसानी से लगा सकते हो, ये इजीली ग्रो हो जाती है। अब इसमें कम से कम 15 या 20 दिन में रूट्स आ जाती है। एक तो मेथड है कि मैंने इसको मिट्टी में ग्रो कर दिया और एक मेथड ये है कि आप इसको पानी में ग्रो करें, पानी में जैसे मैंने कटिंग अभी की है वैसे ही पानी में इनको डाल दें और 4 इंच तक इनको ये पानी में रहनी चाहिए और इसका पानी आप हर दूसरे तीसरे दिन में चेंज करते रहें ताकि वो पानी सड़े ना, और उसमें पानी में अगर ग्रो करोगे तो जल्दी इसमें रूट्स आती है। और जब भी आप कटिंग को लगाएं तो इसको डिस्टर्ब ना करें, बार बार इसको छेड़े ना और बार बार ये हिलनी नहीं चाहिए, आपको ऐसी जगह रख देना जहाँ पर आप इसको ये हिले ना आपसे, ऐसी जगह आप इसको रख दें, खूब सारे गमले जो हों उनके बीच में आप इनको इसको डाल दें और 15-20 दिन में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, आपको इसकी ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी, ऊपर से टिप से इसकी ग्रोथ आपको नज़र आने लग जाएगी और रेनी सीजन इसका बेस्ट सीजन है ग्रो करने का। और अगर आपकी आपको ये प्लांट को डबल करना है, जैसे ये डबल है, देखिए ये एक ही पॉट में ये 2 प्लांट है, एक प्लांट ये रहा एक प्लांट ये रहा, तो आप इसको डिवाइड करके भी अलग कर सकते हैं। जैसे आप इसके रूट बॉल निकालें जो गमले से खाली करें और बीच में से कट कर दें, ये अलग है और ये अलग हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे भी आप इसको नई इसका जो प्लांट है वो बना सकते हैं। और जो इसकी ग्रोथ होती है वो नीचे से भी निकलते हैं, इसके नीचे से भी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे यहाँ से ब्रांच निकलना इसकी शुरू हो जाएगी, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप उसको भी कट करके दूसरे गमले में कटिंग एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और जितना आप इसको कटिंग करोगे, जैसे ये कट मैंने कर दिया तो यहीं से ही 2 ब्रांचें, देखिए नोड एरिया है इसका, देखिए जहाँ से लीव्स निकलती है ना नोड एरिया, तो यहीं से ही ब्रांच भी निकलती है, यहीं से ही ब्रांच निकलेंगी, मैंने ये कट कर दिया तो यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी और मैंने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से भी 2 ब्रांच निकलेंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और घना बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी प्रकार आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग को फ्री में ग्रो कर सकते हैं इसके प्लांट को। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय, थैंक यू।